हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एसएसएन दी रिमोट कमांड लाइन विद एसएसएच, जिसमें आज हम रिमोट सिस्टम में लॉगिन करना सीखेंगे यूजिंग एसएसएच और कमांड रन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इंटरैक्टिव शेल। इंटरैक्टिव शेल एक सिंपल शेल है जिसको हम इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट देता है। हमारा टर्मिनल भी एक इंटरैक्टिव शेल है। इससे हम सिस्टम के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो सिस्टम हमसे दूर क्यों ना हो। लॉगिन इनटू इंटरैक्टिव शेल। अगर हमें रिमोट सिस्टम का यूज़र नेम और पासवर्ड पता है, तब लॉगिन करने के लिए हमें कमांड यूज़ करना है SSH। सबसे पहले स्पेस, फिर यूज़र नेम, फिर @ और लास्ट में IP एड्रेस या डोमेन नेम। जब आप एंटर प्रेस करोगे, ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। अगर पासवर्ड सही होगा तो हम लॉगिन हो जाएंगे। एग्जाम्पल SSH 91 यूज़र नेम है, @192.168.0.107 ये रिमोट सिस्टम का IP एड्रेस है। एंटर प्रेस करने के बाद पासवर्ड देना है। मेरे वाले केस में हेलो वर्ल्ड पासवर्ड है। पासवर्ड सही है, इसलिए मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद मैंने कमांड रन किया whoami, जिसका आउटपुट 91 आया है। रनिंग कमांड विदाउट इंटरैक्टिव शेल। अगर आपको सिर्फ कमांड रन करना है बट आपको इंटरैक्टिव शेल नहीं चाहिए, तो उसके लिए कमांड है SSH यूज़र नेम @IP एड्रेस सिंगल कोट में कमांड एंड प्रेस एंटर। उसके बाद पासवर्ड देना है। अगर पासवर्ड सही होगा तो हमें कमांड का आउटपुट मिलेगा। एग्जांपल SSH 91 @IP एड्रेस सिंगल कोट में कमांड है whoami /pwd। सेमीकोलन की हेल्प से हम दो कमांड को एक साथ लिख सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद पासवर्ड, ये whoami कमांड का आउटपुट है और ये pwd का आउटपुट है। अब हम समझेंगे SSH होस्ट कीज। जब हम किसी रिमोट सिस्टम से कनेक्ट होते हैं via SSH, तो वो सिस्टम हमें पब्लिक की भेजता है लॉगिन करने के लिए। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो भी कम्युनिकेशन हमारे और रिमोट सिस्टम के बीच में हो वो सिक्योर रहे। जब हम SSH कमांड का यूज़ करते हैं रिमोट सिस्टम से कनेक्ट होने के लिए, तब कमांड चेक करता है कि रिमोट सिस्टम का पब्लिक की का कॉपी लोकल नन होस्ट में है या नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नन होस्ट लोकेशन है /etc/ssh/ssh/nunhost और अदर यूज़र के लिए है /home/.ssh/nunhost। अगर नन होस्ट फाइल में की का कॉपी होगा तो उससे कंपेयर करेगा। अगर की मैच करेंगे तो हम पासवर्ड एंटर करके कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मैच नहीं किया या पब्लिक की का कॉपी नहीं हुआ, तब वो हमसे कंफर्म करेगा कि कनेक्ट होना है या नहीं। अगर हम यस करेंगे तो पब्लिक की फाइल का कॉपी हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगा। एग्जाम्पल SSH 91 @IP एड्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब मैं रिमोट सिस्टम से कनेक्ट हो रहा था तब इसने मुझसे पूछा Are you sure you want to continue connecting? मैंने यस टाइप किया, इसलिए पासवर्ड वाला फील्ड प्रॉम्प्ट हुआ। ये इसलिए हुआ है क्योंकि रिमोट सिस्टम का पब्लिक की का कॉपी मेरे सिस्टम में नहीं है। थ्योरी पार्ट में इतना ही, प्रैक्टिकल पार्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको रिमोट सिस्टम में SSH को इंस्टॉल करना और उसको स्टार्ट करना सिखाऊंगा। इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड रन करना है sudo apt install ssh, एंटर। ये मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल था। अगर ये वाला सर्विस आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इस कमांड के हेल्प से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको इसको स्टार्ट करना है तो उसके लिए कमांड है सर्विस ssh स्टार्ट, एंटर। ये पासवर्ड मांगेगा, हमें यूज़र का पासवर्ड देना है। ये स्टार्ट हो गया। चेक करने के लिए स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, स्टेटस लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आ रहा एक्टिव, इसका मतलब ये स्टार्ट हो गया है। मैं इसका आपको IP एड्रेस भी दिखा देता हूँ। इसका IP एड्रेस है 192.168.107। ये मेरा रिमोट सिस्टम है। मैं अपने लैपटॉप की हेल्प से, अपने सिस्टम की हेल्प से इस वाले डिवाइस से कनेक्ट होऊंगा। अभी मैंने रिमोट होस्ट में SSH को इंस्टॉल और स्टार्ट किया है। मैं अपने सिस्टम की हेल्प से रिमोट होस्ट से कनेक्ट होऊंगा via SSH। उसके लिए कमांड है SSH 91 मेरा यूज़र नेम है, @ और लास्ट में IP एड्रेस। मैंने आपको IP एड्रेस शो किया था,
एंटर। ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, मैं इसको पासवर्ड दूंगा। मैं कनेक्ट हो गया हूँ। ये मुझे बता रहा कि मैं इससे जो था लास्ट टाइम कब कनेक्ट हुआ था, हु एम आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो वन, ls-l फाइल या डायरेक्टरी को लिस्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो नो वन जो होता है इनका यूज़र है। यहाँ से बाहर आने के लिए हमें कमांड रन करना है एग्ज़िट, एंटर। मैं एग्ज़िट हो गया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको इंटरएक्टिव शेल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कमांड रन करना है, तो उसके लिए कमांड है ssh यूज़र नेम @ आईपी एड्रेस। यहाँ पर जो था हम कमांड मेंशन करेंगे लाइक pwd, एंटर। पासवर्ड देना है, हमें जो होता है पासवर्ड शो नहीं होगा, याद रखना, एंटर। तो यहाँ पर जो था मुझे आउटपुट आ गया नो वन स्लैश होम स्लैश नो वन। अगर मैं कोई दूसरा कमांड रन करता हूँ लाइक ls-l, पासवर्ड देना है। यहाँ पर जो था मुझे फाइलें शो हो रही है। अगर मैं कोई और कमांड रन करता हूँ लाइक हु एम आई, पासवर्ड अगेन, यहाँ पर मुझे आउटपुट आ गया नो वन। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था जब भी हम रिमोट सिस्टम से कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले पब्लिक की कंपेयर होता है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो पब्लिक की प्रेजेंट होता है होम डायरेक्टरी ऑफ डैट यूज़र .ssh नन होस्ट। चेक करने के लिए कैट कमांड। अभी अभी मैं नो वन सिस्टम से कनेक्ट हुआ था तो उसका पब्लिक की ये है। अगर मैं इस वाले फाइल को डिलीट या मॉडिफाई कर देता हूँ तो रिमोट सिस्टम से कनेक्ट होने के लिए पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ आपको, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं नो वन सिस्टम से कनेक्ट होता हूँ, ये जो था मुझसे कह रहा है आर यू श्योर यू वॉन्ट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, मैं करूँगा येस। ये पासवर्ड मांग रहा है मुझसे, सॉरी पासवर्ड गलत हो गया। ये मैं कनेक्ट हो गया, यहाँ से मैं एग्जिट हो जाता हूँ। मैंने जो फाइल को डिलीट किया था वो फाइल दोबारा से बन गई है, उसमें जो होता है पब्लिक की सेव हो गई है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।